दोस्तों नमस्कार, मैं झारखंड जमशेदपुर में हूं और आज एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूं। यहां पे दिल्ली दरबार एक होटल है, उनका एक अपना जमशेदपुर शहर में नाम है और आज हम जमशेदपुर शहर के बारे में भी चर्चा करेंगे और झारखंड राज्य में मूल निवासी समाज के विषय पे भी चर्चा करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं साहब, आपका परिचय बताएंगे और इस चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है शकील साहब। थैंक यू सर, मेरा नाम शहीद शकील खान है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जो बाम सेफ की विचारधारा की पॉलिटिकल विंग है जी। सर, ये जमशेदपुर शहर के बारे में बताएंगे क्योंकि ये भारतवर्ष में एक अपना जमशेदपुर टाटा स्टील के नाम पे प्रसिद्ध है। इसकी इस शहर की स्थापना कब से हुई, आप लोग कब कब से इस जमशेदपुर शहर में हैं? जमशेदपुर शहर झारखंड स्टेट का इंडस्ट्रियल टाउन है जो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, बेसिकली ये टाटाज घराने का जो मदर प्लांट सारे जो भारत में सबसे पहले जो औद्योगिकरण शुरू हुआ तो टाटा ने शुरू किया और वो जमशेदपुर से शुरू हुआ है और ये जंगलों में बसाया गया एक शहर है और पूरे भारतवर्ष से लोगों को लाकर यहाँ बसाए गए हैं। तमिलनाडु से भी लोग आए हैं, केरला से भी आए हैं, पंजाब से भी हैं, गुजरात के भी लोग हैं, झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सारे लोग और अपने अपने समाज और अपने अपने वजूद के साथ यहाँ पे हैं, सारे जगह के लोग यहाँ पे हैं। आप भारत मुक्ति मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और बहुजन समाज को जगाने में विभिन्न भाषा भाषी जाति धर्म के लोगों के साथ में आपका एक अच्छा ताल्लुकात है और भारत में मूल निवासी समाज को जगाने के लिए आप सतत प्रयासरत हैं। झारखंड जैसा एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहाँ की स्थितियों के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, खनिज संपदा के लाइन से तो भारत का नंबर वन स्टेट झारखंड है, लेकिन यहाँ खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं क्योंकि इन खनिज संपदा पे जो है हम इंडस्ट्रीज का और जो सावण जातियां हैं, जो शासक जातियां, उनका कंट्रोल है और वो यहाँ से फंड ले जाके दूसरे स्टेटों में करती हैं और इस स्टेट को गरीब बना के रखी हूँ और सारा खनिज जो है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से निकाला जाता है, कोयला हो, माइनिंग हो, तो उस पर गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल नहीं है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बहुत गरीब हैं। इस समुदाय को जगाने के लिए एक बीड़ा बामन मिश्रम साहब ने उठाया है और उन्हीं के साथ उनके हर कदमों पे आप उस विंग का साथ दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज और मूल निवासी समाज को उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास चल रहा है? हम लोग तो बहुत ईमानदारी से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। वामन मिश्रम साहब हम लोग की भरपूर साथ दे रहे हैं और गाये बगाये वो हमेशा हमारे स्टेट में आते रहते हैं और स्पेशल केयर भी इस स्टेट के लिए करते हैं। हम यहाँ आदिवासी महतो जो यहाँ की जो लोकल जातियाँ हैं जो यहाँ की, उनके साथ हम भाईचारा कायम कर रहे हैं और मुसलमान, ये सारे को मिला के एक संगठन बनाकर हम लोग बहुत तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट भी हमारे साथ है, सिख भी है, छत्तीसगढ़ के लोग भी हमारे साथ हैं। कहने का ये मतलब ST SC OBC ऑल माइनॉरिटी, ये 85% को मिला के हम संगठित कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रयास में भी हैं और अभी 1 मार्च को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे जो बहुजन क्रांति मोर्चा के नाम से हमारा संगठन है उसे वामन मिश्रम साहब भी आ रहे हैं, मौलाना हमीद अजहरी साहब भी आ रहे हैं और भी हमारे सेंटर के लोग आ रहे हैं और स्टेट के भी सारे प्रतिनिधि, जो सारे जातियों के जो लोकल लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो वो प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोग 1 मार्च को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। सर, यहाँ पे झारखंड राज्य जो बना और छत्तीसगढ़ बना, तो यहाँ पे झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं तो यहाँ आज भी आदिवासी समाज हाशिए पे है, उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? असल में आदिवासी समाज जो है वो बहुत सीधा साधा और बहुत
सीधे और साफ सुथरे लोग हैं, और वो सेग्रीगेशन में बकौल वामन मेश्राम साहब कहते हैं हमारे कि वो जो सेग्रीगेशन में आदिवासी लड़ाई लड़ता है, और आदिवासियों को जो है जब ग़ुलाम बनाने की कोशिश की गई, वो सेग्रीगेशन में जंगलों में चले गए और ग़ुलामी को कबूल नहीं किया, तो उनकी एक आदत पड़ गई है सेग्रीगेशन में रहने की, तो वो मिलने जुलना नहीं जानते। जब हमारा काम है कि हम उनके पास जाके उनसे मिलजुल के भाईचारा कायम करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, और कॉन्फिडेंस मिले के संगठन को बड़ा करें, और इस पर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत कामयाब भी हैं हमारी मेहनत इस पे। सर, ये भारतवर्ष में अगर मीडिया पे परिचर्चा किया जाए तो यहाँ पे बहुजन और मूल निवासी समाज का अपना कोई मीडिया नहीं है, इस मीडिया को आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, मीडिया हम लोगों को हमेशा इग्नोर करता है, लेकिन हाँ, अभी एक जो सोशल मीडिया हमारा हथियार है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति खड़ी कर चुके हैं, और लोगों के दिलो दिमाग पे हमारी बातें चल रही हैं, विचारधारा की। आज हमारी विचारधारा की जो बातें हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वामन मेश्राम की साहब की बातों को अब वो बोलना शुरू कर गए हैं, अब उन पर आवाज़ों में उनकी बू आ रही है बामसेफ की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस चैनल में बात करने के लिए, आपने हमें बोलने का मौका दिया या हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारा ये चैनल बेबाक खबरें बताने के लिए प्रतिबद्ध है, सच्ची बात बताने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन वर्गों की बात को सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिन वर्गों की बात मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को बचाए रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहते हैं, हम सपोर्ट में सिर्फ यही चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं वे इसे देखिए और शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, और साथ में जो घंटे की बटन है उसे भी जरूर दबा दीजिए। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।